हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स होता है डीएनए का प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन को अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, क्या है, तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए द्वारा अपने समान नई डीएनए प्रतियां बनाना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। इसमें डीएनए अपने समान नए डीएनए बनाता है, प्रोड्यूस करता है, अपनी कॉपियां बनाता है, अपनी जीरोक्स कॉपी बनाता है, यूं कहें तो डीएनए द्वारा स्वयं के समान नए डीएनए बनाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब यह क्वेश्चन ये रेज होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों करता है, क्यों रेप्लिकेट करता है, अपनी जैसी कॉपियां क्यों बनाता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करती, तो डीएनए क्यों रेप्लिकेट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड मतलब एक आनुवंशिक पदार्थ है, और आनुवंशिक पदार्थ का गुण क्या है कि आनुवंशिक पदार्थ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक कैरेक्टर्स को लेकर जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो डीएनए है वो मेरी संतति में मेरे कैरेक्टर्स को लेकर जाएगा, जेनेटिक कैरेक्टर्स को। तो उसमें मेरा डीएनए मेरे से निकलकर मेरा डीएनए ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगा, मेरा डीएनए पहले अपनी कॉपियां बनाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, उस कॉपी में वो अपने गुणों को देगा, फिर वो कॉपी गैमेट के थ्रू मेरी ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगी, संतति में जाएगी। तो कुल मिलाकर यदि संतति में अपने लक्षणों का ट्रांसफर करना है तो उसके लिए डीएनए को रेप्लिकेशन करने की आवश्यकता होती है। अब किस तरीके से होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, इसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो जैसे मैंने डायग्राम लिया है तो हम देख रहे हैं डीएनए है, डीएनए के अंदर इसकी श्रृंखलाओं के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, नया डीएनए बनेगा। तो उसके लिए हमें श्रृंखलाओं को खोलना जरूरी है। खोलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एंजाइम काम में लेंगे जो इन श्रृंखलाओं को खोल देगा। ये एंजाइम कौन होगा, यहाँ पर मैंने एक एंजाइम काम में ले लिया, ये एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या कर देता है, डीएनए की श्रृंखलाओं को खोल देता है, अनवाइंड कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम डीएनए की श्रृंखलाओं को खोलने का काम करता है। डीएनए की श्रृंखलाएं खुल गई, खुलने के बाद क्या होता है, यहां पर एक प्रोटीन है जिसका नाम है एसएसबीपी प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, ठीक है, जो इन्हें दोबारा से बंद होने से रोकती है, ठीक है। तो चलिए ये हेलिकेज एंजाइम हो गया, एसएसबीपी प्रोटीन हो गई। तो कुल मिलाकर ये श्रृंखलाएं जो है, इन श्रृंखलाओं को हमने क्या कर दिया, खोल दिया। अब क्या होगा, यहां पर मैं इनकी डायरेक्शन भी बना देता हूं। ओपन होने के बाद जैसे ये 5-2-3 हो गई ओपन होकर, ठीक है, और ये हो गई 3-5। ये दोनों श्रृंखलाएं यहां पर हो चुकी हैं। अब यहां पर इन श्रृंखलाओं पर नए डीएनए का सिंथेसिस होगा। कैसे नए डीएनए का संश्लेषण होगा, उसके लिए क्या होता है, यहां पर एक स्ट्रक्चर आते जुड़ती है, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या है, छोटे छोटे आरएनए और आरएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं उनका कलेक्शन, छोटे छोटे आरएनए के फ्रेगमेंट्स आरएनए प्राइमर। तो ये आरएनए प्राइमर यहां पर आकर जुड़ते हैं, तो ये आरएनए प्राइमर है जो कि यहां पर आकर जुड़ गया, ठीक है, इधर भी आकर जुड़ गया आरएनए प्राइमर। अब क्या होता है, आरएनए प्राइमर उस जगह से जुड़ता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वहां से पे आरएनए प्राइमर आकर जुड़ जाता है। अब रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होने पर फिर क्या होता है, यहां पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं
जैसे एडिनिन का है, ग्वानिन का है, थायमिन का है, साइटोसिन का है, जिनको हम कहते हैं डीएनपीपी। उसमें डीएनपीपी में एडिनोसिन का भी आ जाता है, ए का भी आ जाता है, एडिनिन का, ग्वानिन का भी आ जाता है, थायमिन का भी आ जाता है, साइटोसिन का भी आ जाता है। तो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पर आके की करके जुड़ते जाते हैं, और इनको जोड़ने में, इनका बहुलकीकरण करने में जो एंजाइम मदद करता है उसे एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइडों का बहुलकीकरण करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। इस क्रम में क्या होता है, यहाँ पर जो है अपोजिट बाइंडिंग होती है। जैसे अगर यहाँ ए है, ए तो यह टी आकर जुड़ जाता है, यह सी है तो यहाँ जी आकर जुड़ जाता है, यहाँ टी है तो यहाँ ए आ जाता है, और यहाँ जी है तो यहाँ कौन आ जाता है, सी आ जाता है। इस तरीके से पूरक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं, इनका पॉलीमराइजेशन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। ठीक है, तो दो चीजें आ गई, एक तो आ गए यहां पर आरएनए प्राइमर, एक आ गए डीएनपीपीज, और पॉलीमराइजेशन करने के लिए यह कौन सा एंजाइम आ गया, डीएनए पॉलीमरेज, ये पॉलीमराइजेशन। तो इस तरीके से ये नई डीएनए की श्रृंखला तैयार हो जाती है, नया डीएनए बनना स्टार्ट करता है। ओके, ये बन गया। डायरेक्शन को मैं थोड़ा सा कैसे चेंज कर देता हूँ, इसको ओपन होने के बाद ही है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये जैसे इस तरीके से ओपन हो रहा है तो फाइव किस दिशा में आके आएगा, तो फाइव को थ्री इधर कर दूंगा, ये इधर आएगा तो इधर आएगा, 3 to 5 में इधर करते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ आपने देखा एक श्रृंखला तैयार होगी। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर भी पॉलीमराइजेशन होगा और नई डीएनए की श्रृंखला यहाँ भी बनेगी, लेकिन यहाँ जो श्रृंखला बनेगी ना वो कंटिन्यूअसली बनेगी, डिसकंटिन्यूअस असतत श्रृंखला बनेगी। इस असतत श्रृंखला के फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आगे चलकर जोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उस एंजाइम को हम कहते हैं लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम वो एंजाइम होता है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आगे चलकर क्या कर देता है, जोड़ देता है, और ये संरचना क्या हो जाती है, कंटिन्यूअस हो जाती है। तो इस तरीके से देखते हैं कि एक पेरेंटल डीएनए जो है इसमें की दो कॉपियां तैयार हो जाती है, 1 और 2 दो कॉपियां तैयार हो जाती है। तो यही हमने बताया था डीएनए के प्रोसेस की, एक डीएनए जो है डीएनए द्वारा अपने समान नई डीएनए बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। इसके की पॉइंट्स तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, डीएनए द्वारा स्वयं की नई कॉपी बनाने की प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है, प्रतिकृतिकरण कहलाती है। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों करता है, क्योंकि उसे ऑफस्प्रिंग में अपनी कॉपियों को भेजना है, जेनेटिक कैरेक्टर्स को भेजना है, तो उनके द्वारा ही ये ऑफस्प्रिंग में जाता है। इसमें हेलिकेज एंजाइम होता है जो इसको खोलता है डीएनए के कुंडलन को, एसएसबीपी प्रोटीन होती है ये भी हमें काम में आती है। एक इस दौरान एक एंजाइम और होता है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम होता है जो डीएनए के टेंशन या तनाव को दूर करता है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर जब ये इस तरीके से खुलती है ना श्रृंखला, तो इस डीएनए की श्रृंखला इस तरीके से हो जाती है, तो इसमें तनाव टेंशन उत्पन्न हो जाती है, इस तनाव को दूर करने का काम करता है एंजाइम, वो होता है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम को गायरेज एंजाइम कहते हैं, उसका भी यहाँ पर रोल होता है। श्रृंखलाएं खुल जाती है, खुलने के बाद एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। ये भी पूछ किया जाता है कैसा डीएनए रेप्लिकेशन है, वाई शेप रेप्लिकेशन है, ऐसा यूकेरियोट्स में पाया जाता है। यूकेरियोट का डीएनए कैसा डीएनए होता है, लीनियर डीएनए होता है, लेकिन प्रोकेरियोट्स जो होते हैं उनमें वाई शेप, उनमें थीटा टाइप का डीएनए रेप्लिकेशन होता है।
तो ये वाइट टाइप की फॉर्म बन जाती है और इस तरीके से प्राइमर आकर जुड़ते हैं, तो फिर ये डिऑक्सीराइड को न्यूक्लियोटाइड आते हैं और इनका पॉलीमराइजेशन डीएनए पॉलीमराइजेशन के द्वारा हो जाता है। इस वाले स्ट्रैंड पर ये सतत होता है, इस वाले स्ट्रैंड पर ये क्या होता है, असतत होता है। असतत जो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं, फोकल जाति फ्रेगमेंट्स कहते हैं, जो बाद में लाइगेज एंजाइम के द्वारा जुड़ जाते हैं। इस तरीके से एक डीएनए से हमें उसकी दो कॉपियां क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर एक बात और भी आती है कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड बनते हैं, इन स्ट्रैंडों को हम क्रमशः लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड इसको बोला जाता है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन वाला होता है, लैगिंग स्ट्रैंड कौन सी डायरेक्शन वाला होता है, ओका जाके फ्रेगमेंट्स जो है वो किस डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड पर बनते हैं, तो इस तरीके की बातें हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।